और ये रही आने की। हाँ मैंने एक डिजाइन ज्यादा मम्मी दादाबू के पास है आपका, तो मिलाओ ही तुम्हारा। रैयान, रैयान का ये इस बार रैयान का सला लास्ट ईयर आपको मिला था। तो जो है ना रैयान माशाल्लाह बड़ा हो चुका है और रैयान के बालों को अभी तक मुझे हेयर कट करवाना है। देखते हैं कि कहाँ मैं ले जाऊँगी, सला खर्चा हो गया था हेयर कट। और यहाँ हम लोग चांद देखने के इंतज़ार में हैं, शायद निकल जाए चांद। इना दे गया बाबा, दे डोनट अकशा। अच्छा ये आपका है, मैं खोलती हूँ, मुझे पता है ये आपका है। अरे डोनट है, डोनट है, डोनट है, हाँ डोनट है, हाँ डोनट है। वाह रैयान का छोटा मिनी सा डोनट। चलो आप अपना उठा, चलो वन वन का दोनों कंप्लीट करो। वर्षा यम यम मना दे दिल नहीं आए गए मना रहे वापस दे। अभी तक चांद निकल नहीं आया, मेरे दोनों चांद यहाँ पे बैठे हुए हैं। देखने आई हूँ इधर सारे गांव, ये वाला शेड है तो कनेक्ट थे अम्मी वाला भी था। सस्ता जैसे, ना सस्ता जैसे, सस्ता जैसे। चल माफ़ा मशवरा था ना चाचो ना, सही कसी ईजा खराब ना बस। ओके पक्का पक्का कंफर्म करने का, कसी ईजा खराब तो तेरा बना चाहिए। ईशा से एक नंबर मास्टर मगर भैया ने साइज को। अच्छा ये 2 साल है ना, 2 साल वाला शेर सही है। दो जुड़ी हो हमारे हम आपसे हुआ पहला रुचि आई है सिर्फ 10 साल हमें रहते थे। लंच पे क्या बनाऊंगी वो मैं आप लोगों को बताती चलूं, क्योंकि अभी तक मैंने सोचा खुद भी नहीं है। यहाँ मैंने मटन निकाल के डीप्रोस्ट करने के लिए रख दिया है, मैरिनेट करके रखूंगी। सोच रही हूँ कि हैदराबादी बिरयानी बनाऊं या सिंपल बिरयानी बनाऊं या सिंधी बिरयानी बनाऊं या बलूची बिरयानी बनाऊं, बस कुछ ना कुछ करना है क्योंकि आज बिरयानी डे है, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर आया है कि आज बिरयानी बनाना। तो इस वजह से बिरयानी के लिए मुझे सोचना है कि मैं क्या करूँ, कुछ स्पेशली करना है क्योंकि स्पेशल दिन है, तो स्पेशली बनेगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह कोशिश होगी मेरी। अभी मैं हैदराबादी बिरयानी सोच रही हूँ कि मैं बना लूँ, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे मटन निकाला है। अब इसको मैं करूँगी डीप रोस्ट, फिर इसको पहले मैरिनेट करूँगी, फिर इसको रखूँगी। मतलब अभी टाइम बहुत ज़्यादा है और मैं बहुत जज्बात में आके पहले ही मैंने कर लिया। अभी मैं जाके मेहंदी लगाऊँगी, उसके बाद 7 बजे के टाइम या 6:30 बजे के टाइम मैं नीचे आऊँगी और बाकी के काम होंगे मेरे। बस ईद का दिन मतलब ईद की रात, चांद रात को या ईद के दिन मैं क्या कर रही हूँ क्या, वो सब शेयर है इस वीडियो में। आप लोग ज़रूर देखें, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब भी तो कर दें, लोगों को तो बताएं परीसा ने क्या क्या किया। आप लोग भी ना शेयर भी नहीं करते अपने लोगों से, ऐसा ना करें, अपने लोगों से शेयर ज़रूर करें। थोड़ी गीबत मेरे बारे में भी तो करो ना प्लीज़, मतलब शेयर करके मेरे वीडियोज़। बन चुका है खीर, अब इनको मैं डाल रही हूँ। ईद की तैयारियों में इतनी छोटी छोटी खुशियाँ, मतलब कि यही होता है खाने पीने वाला सीन। स्टिकर्स अभी मैं कौन सा यूज़ करूँ, ये स्टार वाला पेस्ट है, चलो देखते हैं इनमें से एक मैं ट्राई करूँगी अपने हाथ पे, आप लोगों को दिखाऊँगी। मैंने एक डिज़ाइन चिपका दिया है
और इसको पे मेहंदी में पहनूंगी। आप लोग अभी एक हाथ है ना, मैं आप लोग को दिखाऊँ। और ये रहा स्टिकर, अब मैं लगा रही हूँ मेहंदी। अभी पता नहीं कैसा होगा, फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ। अब इसको लगाऊंगी। ये देखें मेरी एक हाथ की मेहंदी जो कि मैंने खुद लगाई है, कोशिश की है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दें मैंने कैसी लगाई है मेहंदी, ठीक है। और इंशाल्लाह मैं अभी वॉश करके सुबह ही आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी मैं इसी याद के साथ जा रही हूँ सोने कुछ मतलब देर के लिए। लाइक अभी टाइम हो रहा है मतलब 4:30 और मैं उठूँगी इंशाल्लाह 6:30 तक। 2 घंटे तक मैं सो जाऊँगी, फिर देखते हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्योंकि सब काम मैं कर चुकी हूँ, बस चाय बनाना है, सेवैया बनानी है, वो आगे वीडियोज़ में देख लें। सेवैया अब इनको मैं बनाने वाली हूँ। सब कुछ होने के बाद मैं जा रही हूँ ऊपर की तरफ, ये नीचे का लोबान, और मैं जा रही हूँ ऊपर। इनके ड्रेस पितो टेक, और इनको मैं दे रही हूँ लोबान, ठीक है। अच्छे से आओ आओ साला, यार पेंट शर्ट गोरा करने की साला कमी शलवार है टीम अब्बा। बरजार यान यहाँ सो रहा है बाबा, टीम कम है मेरी यार, वीडियो तो कम उनके टीम है। चेर उठी चिया गोरा नकन है कमी शलवार, चिया गोरा नकन है लीजा ना बाबा। ईद के दिन सब कमी शलवार पहनते हैं चिया, बस शर्रे को था चाप आई थी ना सच्ची आई थी ना, तो किससे का नाम का वो आई थी नाजूर है चिया। अच्छा शुक्रवती पैसा आस्ते भाई, एक ऐसी आई थी ना रोटी पादा बदम जान यप्पा दत्ता अनु रैयान मत तैयार करना, रैयान अनु मत तैयार करना। रैयान के कपड़े ये हैं, रैयान के अच्छे वाले कपड़े हैं। साला को कमी शलवार नहीं पहनना है, पता नहीं रीजन पता नहीं क्या अल्लाह वाला। ये साला आएगी और ये रैयान है कि अल्लाह अल्लाह को तेरा खराब करे, तो दिमाग खराब है हाँ। खबर मैं वीडियो अभी ऑफ कर रही हूँ, इसको मना के पहना के फिर आप लोग को दिखाती हूँ। ये है मदर पावर। रैयान और साला के कपड़े मैंने पहना दिए हैं, और एवरिन के चप्पल जो कि मैं कल गई झटपट मार्केट से जल्दी से ले लिया मैंने, ये रहे। सला के नखरे बहुत थे मगर मैंने मना लिया सला को। अभी मैं कुछ पिक क्लिक करूंगी और बाकी व्लॉग आप लोग आगे देख लें। पास है आपका वॉच, तैयार होने, और इसको जो है वॉच चाहिए इसके दादाबू के पास है। आप जाके दादाबू से उठा लो ना, मैं बता रही हूँ आपको। 5 मिनट बुजुर्ग है ईदियाँ कलेक्ट का गुड़ा गोदा ना काश, ठीक है। नहीं नहीं रात तक नहीं, अभी बस 5-1/2 घंटे तक। सबसे ईदी उठा फिर आना मुझे देना ईदी, फिर कपड़े से तो अति कराई दिया इरका ने। आजकल के बच्चे चिक्का दे मना रहा, अच्छा मना ना था। ओके डन आप क्या कर रहे हो बताओ, आप क्या कर रहे हो? मैं कपड़े नहीं बदलू आज, अभी मेरी ये हालत है। नमाज खत्म हो गई और मनी गुद गुरान है अमनंगा तक जो है। बहुत लेट हो चुकी हूँ, यहाँ ईदी कलेक्ट कर रहे हैं और रही साला रही दायम आया है मेरे पास ईदी लेने के लिए। अभी मैं दायम को ईदी दूंगी। दायम तेरा मन दया चिक्का सा बच्चा पंचा ज़्यादा मैं साला ये तैयार हो, ये इसलिए मैंने यहाँ पर लिफाफा बनाया जो जो ईदी मिल रही है साला इस लिफाफे में डाल रहे। साला को अभी सिर्फ 700 मिला है, ये देगा ये तैयार ईदी साला मन ईदी रात को आओ मनु बोरो लिफाफे इरका, जैसे जैसे ईदी मिलेगी वहाँ पर रखना। हाँ जी अब्बा पैदा को ठीक है, जो जो ईदी देने दे तो यहाँ पे। और ये है परफ्यूम जो कि मेरी सिस्टर इन लोग लेकर आई है यूएई से, ठीक है। और इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त है। ये पूरे इस तरह का सेट है जिसमें ये सारी चीज़ें हैं, ये रहा
ठीक है। और ये अभी मैं लगाऊंगी। और ये पीटोटेक इसका नाम है मेरे ख्याल से, इस दोज का नाम पीटोटेक है। और बस मैं चली अभी जा रही हूँ सिस्टर के पास, मैं जा रही हूँ अपने सिस्टर के घर। और ईद मुबारक सबको मेरी तरफ से, सब सब सबको ईद मुबारक। और सब अपने फैमिलीज के साथ खुश आबाद रहो और मेरे लिए भी दुआएं करें। और मैं जो कि अभी ये ड्रेस जो कि मैंने बलूची पहना है आप लोगों को दिखाऊं, ये वीडियोस में आगे पीछे आप लोगों ने देख लिया होगा मेरे ड्रेस। और जो कि मैं बताती चलूँ, मेरा ईद का ड्रेस नहीं आया। मैं रात के 12 बजे तक मैं वेट करती रही कि मेरा ईद का ड्रेस आ जाए और मैं पहनूं, नहीं आया। और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने ये भाई के शादी में मैंने बनवाया था और पहन नहीं सकी, मतलब इतना ज़्यादा ज़्यादा कपड़े थे, तो ये मैंने ईद के लिए मतलब छू लिया, मतलब ले लिया, अभी मैंने पहन लिया है। अभी जा रही हूँ सिस्टर के घर पे, वहाँ सबसे मुलाकात करूँगी, फिर आप लोग आगे वीडियोस देख लें, सब कुछ अपडेट है। और बस फिर वापस आऊँगी, लंच बनाऊँगी इंशाल्लाह। बस यही, इसका दूध उठाओ। ये रयान और ये फला ने अपने कपड़े चेंज कर लिए हैं, रयान के अभी तक वही कपड़े पहने हुए हैं। और बस मैं जा रही हूँ सिस्टर के पास ईद मिलने के लिए, बस निकलती चलूँ। सलाम के ईदी है जो सलाम के और रियान के पप्पो ने भिजवाई है और यक्सा बाजी ने। और कुछ इस तरह से मैंने रखा हुआ है, अगर कोई गेस्ट आ जाए या मेरे अपने फैमिली में से कोई भी भूख लगे तो यहाँ पर हाजिर हो जाए। कब ने कभी मैं वीडियो अपलोड करना जब तक सजे ख़त्म गया। अभी मैं इसको खोलूँगी, इसको ओपन करेंगे और इसका रिव्यू देखेंगे, बहुत नेट पे मशहूर है। सबर में शपथ करा, ओपन कर रही हूँ इसको मैं। मेरे बच्चे कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड है। यहाँ मेरे भाभी हम लोग इसको जो है ओपन करके देखते हैं कैसा है। भाई और भाभी के लिए इतना सब कुछ सर्व किया है मगर कहा नहीं रहे, पता नहीं क्यों, शायद शर्मिंदगी हो रही है इनको खाने में। अच्छा चो का ना भैया, अच्छा मैंने तोड़ दिया, मैंने तोड़ दिया, लावा वाले लावा। अच्छा लावा ही, वाह माइंड सकी था। बेचारे टेस्ट करने था। बजूरे। ना इतना मैंने नाम सुना है, इतना मैंने सुना है, बस सही है, ओके है। मुझे मीठा नहीं पसंद, जिनको मीठा पसंद है ना उनके लिए बहुत अच्छा है, मुझे मीठा नहीं पसंद तो मेरे लिए इतना ख़ास नहीं है। ठीक है अबर, दाँत है पक्का। यहाँ जो कि रयान के पप्पो ने भिजवाई है ईदी, और मैं खोल के आप लोगों को दिखाती हूँ। ठीक है, ईशा विचार, ईशा विचार। तो भैया मैं अभी कॉल के देख रही हूँ, ये भेजी है अक्सा बाजी ने और ये भी, अब इनको कॉल के देखते हैं इसमें है क्या। दया ऐसा बन का बस्सी रंधावा रंधावा गिफ्ट है, पचकन है ना तो ईदी है ना, पचकन है ना ईदी है ना। एक लिफाफा जिसमें लिखा हुआ है सलाम। ठीक है, ये छोटे से क्यूट से अलल कप, और ये छोटे से क्यूट से है सला के पप्पो ने भिजवाई है, ये है रयान और ये है सला। ठीक है, अभी मैं इनकी ईदी जो है मैं संभाल के रखूँगी, देखती हूँ कहीं जाना होगा जैसे लाइक प्लेग्राउंड वगैरह के एरिया जगह में, तो इंशाल्लाह मैं जाऊँगी। और ये है अक्सा बाजी की तरफ से पहली ईदी। अक्सा बाजी थैंक यू सो मच, अब अभी अगर ब्लॉग देख रही होगी तो थैंक यू, सही है। और मैं बता रही हूँ
जो कि समझदार सलाह है ना, मैं शायद बोलूं हम इस उम्र में इतने समझदार थे नहीं, हमें बताते थे अम्मी रखो पैसे हम आपको देंगे, ये बोल रहे हैं मैं खुद रखूंगा मुझे पता है संभालना कैसे पैसे। ये सलाह के पप्पो ने भेजी है, निदा पप्पो ने, ये रियान का और ये सलाम। ये रही मेरी आज की मेहंदी जो कल मैं दिखाना चाह रही थी, और ये सलाह मेहंदी का कलर जो उस टाइम आया था, फिर मैंने बर्तन वॉश किए हैं और कुछ इस तरह से आ गया। मैं अपने सिस्टर के घर पे आई हूँ, मतलब मेरी तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी, वही वायरस जो रियान को हुआ है वही मुझे, मतलब अचानक तबीयत ख़राब और मेरा प्लान जो खाने बनाने का था वो हो गया कैंसिल। मेरी सिस्टर ने बोला मैं बना रही हूँ तो आप आ जाओ तो बना लेना, मतलब यही है कि वीडियो बना लेना खाना नहीं। तो यहाँ जो कि उन्होंने बनाया है वो मटन सालन, और यहाँ दम दे रहे हैं, और यहाँ दम के लिए पहले स्टार्ट करूँगी फिर वीडियो मैं, फिर वो दम दे देगी दम दे। दम पे लग चुका है और सर्व करके खा लेंगे इंशाल्लाह। बस ईद की कुछ ऐसा तैयार है अपनी नानी के घर पे जाने के लिए। अंसा के कपड़े देखो, तवर का जो के जा रहे हैं अपने नानी के घर पे, और इसके नाना है ना, नाना देखता है वीडियोस। वाह माशाल्लाह चश्मा बच्चा, बच्चे के चश्मा। बाय बाय टाटा का, टाटा का तो नाना चारी तरह रा वीडियो है तू का आन। बाय बाय, ये लोग जा रहे हैं अपने नानी के घर पे। हेलो, अभी जो कि मैं अपनी सिस्टर के घर आई हूँ, और यहाँ जो है लंच का मुझे बोला कि आ जाओ, क्योंकि मेरा जो इरादा था खाना बनाने का, मटन मैंने निकाल लिया था, मगर ऐसा मेरा बुखार और अचानक मुझे वॉमिट स्टार्ट हो गई ना, तो मुझे खाना बनाने की हिम्मत नहीं हुई। साला तो बेलना तो चिया नहीं लगा, वीडियो बनाना गो। और जो कि इस वजह से मेरी सिस्टर ने बोला आप आ जाओ यहीं पे खाना साथ में खा लेंगे, आपको टेबलेट वगैरह भी मैं दे दूँगी, तो इस वजह से मैं वापस आ गई। ठीक है, और बिरयानी बना दिया है, अभी दस्तरखान लगने वाली, आप लोगों से शेयर करूँगी। और मेरा ईद का इतना छोटा सा रूटीन है, मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। और मैं इतनी सिंपल हूँ, इतनी सिंपल हूँ, लोग मुझे बोल रहे हैं आप मेकअप क्यों नहीं करती ब्लॉग के सामने, अब मैं रोज़ मेकअप करूँ और रोज़ मोबाइल के सामने, नहीं मुझसे नहीं होता, मेरे सिंपल फेस के साथ ही मुझे एक्सेप्ट कर लें। यहाँ जो कि मैं अभी खाना निकालूँगी, और यहाँ सलाह के अबू और उनके अबू के लिए खाना निकाल के ले जाऊँगी, और बाकी मैं वहाँ से बांसी या पछता आवाज़ है भी वीडियो है। और ये है बिरयानी का लुक। ईद पे बिरयानी किस किसने बनाई है, ईद पे बिरयानी किस किसने बनाई है कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कर लिया करें। ठीक है, हमारे यहाँ जो है ना ईद के फर्स्ट डे बिरयानी बनती है, किस किस के घर में बनती है वो कमेंट बॉक्स में बता दें। और यहाँ बिरयानी निकल रही है, और बैकग्राउंड में बच्चों की शोर है। अम्मा ए अम्मा, और यहाँ हमारी बिरयानी आ चुकी है, और यहाँ रेहान बेटा है। अबे शर्मा दे तो आप सही नहीं, चलो आ जाओ आज बिरयानी खाने के लिए। और यहाँ जो कि मैं अपने लिए चावल निकाल रही हूँ, शक्कर कम हो, शक्कर कम। ये जो है ना बिरयानी के बाद सुलेमानी चाय, सुलेमानी चाय ज़रूरी है क्योंकि इससे जो है ना आजमा। यहाँ जो कि मैं पी रही हूँ सुलेमानी चाय, क्योंकि बिरयानी के बाद सुलेमानी चाय तो बनता है, मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती, इस वजह से मैं ज़्यादातर बिरयानी या कुछ ए भी खा लूँ तो सुलेमानी चाय। मीठा भी आ चुका है, और ये मीठे में ये मैं अपने घर से लेकर आई हूँ, मैंने बनाई थी खीर, और ये लावा केक जो कि साला ने आधा से यार। इन दोनों को यहाँ मैंने शावर दे दिया है, अभी करती हूँ इनको चेंज।